मैं पेशे से एक अधिवक्ता भी हूं, हाँ और जो विपक्षी दल है एनसीपी, उसके लिए दुर्भाग्य की बात है कि मैं अधिवक्ता भी हूं। और मैं बताता हूं आपको क्यों। सबसे पहले तो गणेश जी यहां पे हैं, क्योंकि देश में करोड़ों व्यूअर्स आपको देख रहे हैं अंजना जी, और वो आश्वस्त होना चाहेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि सीबीआई ने एक स्टेटमेंट जारी करके क्या कहा कि जो हत्या का एक एंगल है वो भी अभी प्रूव किया जा रहा है। दूसरी बात, आप समझिए गणेश जी आपके लिए है, भारतीय जनता पार्टी समर्पित है पूरे देश की जनता के लिए और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लिए, सुनिश्चित करेगी कि परिवार को इंसाफ मिले। लेकिन ये केस क्या है? ये केस वो केस है जहां 65 दिन तक एफआईआर नहीं हुई, जो क्राइम सीन था उसको छेड़ा गया, और गोल्डन आवर्स होते हैं विवेचना के तौर पे, रिकंस्ट्रक्ट करना मुश्किल होने लगता है जब देरी हो जाती है। लेकिन फिर भी सीबीआई अपना काम कर रही है जो निष्पक्ष है, और कोई हस्तक्षेप या दबाव सीबीआई पे नहीं होगा। तीसरी बात, आरुषि का मर्डर कांड याद करिए, पहले वहां की प्रदेश की पुलिस ने जांच करी थी, करीब करीब 20 महीने बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दी थी कि प्रमाण नहीं मिल रहे, क्योंकि वहां पे भी डिले हुआ था। लेकिन कोर्ट ने कहा हम नहीं मानेंगे इस क्लोजर रिपोर्ट को, और ट्रायल कोर्ट से कन्विक्शन हुआ था आरुषि तलवार केस में। मैं इतना ही कहूंगा, जल्दबाजी के काम ऐसे होते हैं कि चार्जशीट तो फाइल हो जाएगी लेकिन जो दोषी हैं वो छूट जाएंगे। चाहे सीबीआई, ईडी और एनसीबी समय लें, लेकिन जब चार्जशीट फाइल करें तो वो वॉटर टाइट हो, एयर टाइट हो और आइस टाइट हो कि कोई अंजना जी, मैं इस पे पेंगुइन भी ना रिएक्शन बने। देना हाँ गणेश, चाहूंगा। ठीक है, गणेश बोलना चाह रहे हैं। आ रही हो ब्रिजमोहन जी, गणेश जी, ममता कालीन, नासिर अब्दुल्ला, तीनों को दिखाइए। गणेश जी जल्दी से बोलिए। जी, चक्कर ये है कि हम देखिए आपके चीफ मिनिस्टर को मिले हैं संजय राउत, इसीलिए ये ऑब्जेक्शन आया क्यों मिलना चाहता इतने सारे में। और हम सीबीआई के ऊपर देखिए प्रेशर तो काम करता है, ये जनता का प्रेशर था तभी तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चालू, उत्तर दे तभी तो सीबीआई ने हाथ में केस लिया। और दूसरी बात ये कि हम अभी देखो मेरा तो कोई एजेंडा नहीं है, आया तो सिर्फ सुशांत के लिए न्याय मांग रहा हूँ। और अंजना जी 2 मिनट चाहूंगा, वो डॉक्टर ने मुझे पूरा डिटेल भेजा है, क्या मैं बताऊँ? हाँ बोलिए बोलिए जल्दी से। जी पूरा मैसेज पढ़ के लिखा था जल्दी जल्दी। हैव यू एवर सीन डेड बॉडी दैट हैज हैंग्ड देम हिमसेल्फ? It took so scary that sometimes their own relative cannot recognize that them. Faces are face look like he is peacefully sleeping. The facial expression is not possible when someone is unconscious or half conscious during being strangulated. It is impossible. हिंदी में अगर आप इसको बस इसका बोलो, आप यही है ना, आप कह रहे हैं कि उन्होंने मर्डर की तरह। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।